हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो ऑलरेडी आ गई है जहां पर हम कल का मार्केट का प्रोडिक्शन क्या रह सकता है उससे रिलेटेड हमने यहां पर वीडियो बनाई है इस वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय पॉलीपैक लिमिटेड कंपनी करती क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उस सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे और आज के दिन में देखे तो लगभग ये शेयर लगभग सत्रह के आसपास ये भागता हुआ दिखाई दिया क्या हमें अभी खरीदना चाहिए क्या में बाद में खरीदना चाहिए क्या में इसे रखना चाहिए क्या मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए ये सारे सवालों के जवाब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा और सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे इस कंपनी में बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर दिखाई देती है बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्वेस्ट फॉर एवर को जो कि आपका चैनल है बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की आपको मिलती है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं इसके परफॉर्मेंस की तो आप इसका परफॉर्मेंस देख के चौंक जाएंगे कंपनी को लिस्ट हुए तीन साल से ज्यादा नहीं हुए तीन साल के लगभग हुए और यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का वन डे का वन वीक का वन मंथ का थ्री मंथस का परफॉर्मेंस और यहाँ पर देखिए सिक्स मंथ और वन ईयर टिल डेट की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस ही रहा बट एक साल में भी तीस परसेंट के दो साल में दो सौ उनचास परसेंट के और तीन साल में लगभग सत्तर परसेंट के रिटर्न दिया है मतलब कहने का मतलब क्या है कंपनी के शेयर को जितना लंबे टाइम के लिए आप रखेंगे और जितने लो भाव से आप ले लेंगे और थोड़ा सा लंबा प्ले करेंगे ओके okay, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए प्ले करेंगे तो याद रखिए ये शेयर आपको आने वाले दस साल में देखिए तीन साल में बेशक से कम दिख रहे हैं दो साल में ज्यादा दिख रहे हैं बट आने वाले अगर मैं इस इस पीरियड की बात करूँ जब ये दस साल की कंपनी हो जाएगी इस इसे मार्केट में उस टाइम ये जो रिटर्न होंगे ना लग लगभग लगभग इसके पीछे भी जीरो लगती हुई नजर आएगी अकॉर्डिंग टू मी तो यहाँ पर इसी कंपनी से रिलेटेड वीडियो है और इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे तो जान लेते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर कंपनी के तो कंपनी करती क्या है जैसे कि यहाँ पर पॉलीपैक पॉलीपैक का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कंपनी uh, के लिए काम करती हुई दिखाई देती है जिसमें ये uh, जो ये कवर करती हुई दिखाई देती है प्रोडक्ट्स को वो ये कंपनी करती है प्रोडक्ट इंडस्ट्री प्लास्टिक पैकेजिंग से रिलेटेड कंपनी है राशिया इज वन ऑफ द लीडिंग लीडर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक शीट्स एंड थर्मो फॉर्म पैकेजिंग Which is tailored, uh, to the जैसे की होती है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स को यहाँ पर पैक करके देते हैं आप प्रोडक्ट्स रेंज फ्रॉम योगर्ट, आइसक्रीम कंटेनर फूड पैकेज क्यू एस आर कॉफी कप बेकरी प्रोडक्ट एंड कंफेक्शनरीज बेवरेजेस कप्स एंड कंटेनर जेनरिक बॉल्स सब चीज यहाँ पर, 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 पर वेजिटेबल जो पैक करते हैं यहाँ पर आपने देखा हुआ मॉल वगैरा में वो सब चीजें एक पर्टिकुलर कंपनी करती हुई दिखाई देती है कंपनी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलेगी कंपनी से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी के देखेंट एच यू एल है याद रखिए स्विगी की जो यहाँ पर पैकिंग होती हुई नजर आती है वो इसका और कितनी आ, पर अगर बात करें दूसरे नंबर पे स्विगी चलता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गोवर्धन यूज करते हैं आप लोग नेस्ले आप यूज करते हैं कैफे कॉफी डे सी सी डी यहाँ पर जाते हैं आप बास्किन रॉबिन विस्तारा हेडसन मदर डेयरी हर ये सारे के सारे या आपने ये योडक्स यूज करते हुए दिखाई देती है तो सारी पैकेजिंग कौन करता है यही कंपनी करती हुई दिखाई देती है आईपी 24 तो तारीख को 2018 में आता हुआ दिखाई दिया था फ्रेश साइज लगभग 35 करोड़ रुपए का यहाँ पर था और यहाँ पर बात करें कंपनी का डाइवर्सिफाइड ऑलरेडी है मैं ये सब चीज से रिलेटेड बातें कर चुके हैं है। uh, uh, है। दमन में इसके अलावा बात करें ट्यूब एंडिनेट यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स uh, यहाँ पर बात करें कंपनी है अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इन ट्यूब लेमिनेट सेगमेंट एंड मैनुफेक्चरिंग नॉन फॉइल बेस्ट लेटेड एज इट्स

पर काबिल तारीफ है अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर और चीजों की देखिए कंपनी ने अभी यहाँ पर क्या किया है कंपनी ने एक आ, इनका जो रिन्यूअल किया है अपने किसके अपने जो इनका आ, अगर बात करें इनका यहाँ पर देख लीजिए एक बार एग्रीमेंट जो था ओके उसे रि, रिन्यू किया और किसके साथ किया है यहाँ पर देखिए पांच साल के लिए क्या है नॉरिश बेवरेज लिमिटेड के बेवरेजेस लिमिटेड कौन है, नौरिण, नौरिण को है? तो यहाँ पर मैंने यहाँ निकाला है को बेवरेजेस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का यहाँ पर पार्ट है जिसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इमेजेस पर जाऊँगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगी इनका जो वाटर आता है टाटा वाटर यहाँ पर वो इसका इसके यहाँ पर कौन है यहाँ पर दिखाई देते हैं इनके इसकी जो पैकेजिंग होती है यही कंपनी करती है इसके अलावा जो टाटा टी से रिलेटेड जो ये होते हैं ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो पैकेजिंग से रिलेटेड जो ये सारी की सारी कॉम करती हुई दिखाई देती है यही कंपनी करती हुई दिखाई देती है रिटर्न बेहतरीन सब चीज बेहतरीन और इनके जो क्लाइंट अभी भी है ओके okay, वो एज इट इज यहाँ पर बने हुए हैं ये सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने दे रखी है एक बार यहाँ पर नीचे जाइएगा कहाँ पर से निकालना है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पर जाइएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगा सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर देखिए टर्मिनेशन एंड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सब चीज क्लैरिफिकेशन ये सब चीज दे रखी है तो एक बार जाके यहाँ पर देख लीजिएगा अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस की बात करें दो से तीन करोड़ की मार्केट कैप है स्मॉल कैप कंपनी है पी की बात करें ट्वेंटी वन का पी है ओके okay, इंडस्ट्री का पी इलेवन का है कहीं ना कहीं अभी भी महंगा है आर ओ सी आर ओई की बात करें ग्यारह और आठ के आसपास है कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक है और लगभग तैतालीस परसेंट का यहाँ पर डेट भी है दस का यहाँ पर फेस वैल्यू इंटर वैल्यू वन सिक्सटी वन है उसी के ऊपर ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है बुक वैल्यू वन जीरो थ्री है और अभी ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है हमें मैक्सिमम चार्ट चार्टन देखे अभी आया शेयर तो यहां पर देखिए एक कंसोलिडेशन फेज फिर यहाँ पर पैंडमिक की वजह से गिरावट फिर उसके बाद पचास रुपए का शेयर कितने रूपये गया है दो सौ इकहत्तर रुपए पे ये मल्टीबैगर रिटर्न अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ओके और यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ जाए तो उस टाइम यहाँ पर खरीदेंगे तो शेयर अच्छा भागेगा यहाँ पर पॉलीप्लेक्स आप जानते ही किस तरीके से भागता हुआ दिखाई दे रहा है उसका बारह का पी है ओके okay, इसका ई वी इक्कीस का है इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट देखें इसका आर ओ सी उनतीस का है इसका टेन का है ये सारे कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर चीजों को समझ सके मार्केट कैप की बात करें ये मार्केट कैप में भी यहाँ पर छोटा है डिविडेंड यील्ड भी इसकी कम है इसके अलावा क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट वेरिएबल वो भी यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा दीदे दीदे अच्छा है बट कंपनी धीरे धीरे अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है जो कि यहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस देखिए तो बारह करोड़ की कभी सेल्स थी यहाँ पर दो में

कंपनी के बॉरिंग थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है कंपैरिजन टू 21 वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर दो करोड़ रुपए और कैश की बात करें कंपनी का कैश कम होता हुआ दिखाई दिया है 25 करोड़ से 1 करोड़ का यहाँ पर कैश हो गया है ये एक नेगेटिव पॉइंट्स में यहाँ पर दिखाई देता है इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर हम एक बार इसका देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स के पास कितने परसेंट के शेयर है के पास यहाँ पर 52 के पर शेयर दिखाई देते हैं ओके जो एज इट इज पर बने हुए हैं इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर बात करें एफ आई है को, कोई नहीं है म्यूचुअल फंड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी नहीं है डी तो की बात करें तो यहाँ पर सेवन पॉइंट एट वन परसेंट की हिस्सेदारी है जो कि यहाँ पर इन्होंने बढ़ाई है और यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें पब्लिक की बात करें तो लगभग चालीस परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है और यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न पर जाते हैं और यहाँ पर देखते है, तो तो है। okay, शेयर यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दिया है अब क्या हो सकता है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये शेयर दिखाई दे रहा है भागता हुआ दिखाई दे रहा है कल के दिन में भी हो सकता है ये मार्केट कैसे भी ओपन हो ये शायद इस लेवल को टच करके जो ये लाइन लाइन दिख रही है है आपको ट्रेंडिंग मैंने सिखाई ऑलरेडी हाँ जाके देख लीजिएगा तो ट्रेंडिंग लाइन को टच करके चीजें नीचे आ सकती है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्मेंस भी इस कंपनी का यहाँ पर दिखाई देता है बट कंपनी लॉन्ग टर्म के विजन से अगर मैं यहाँ पर बात करूं जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है रिटर्न के मामले में अगर इसे थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रखा जाए इस शेयर को चार से पांच साल का टाइम दिया जाए तो ये शेयर आपको अच्छी खासे रिटर्न देने की पूरी काबिलियत रखता है और शेयर यहाँ पर हजार रुपए को भी टच कर सकता है तो यहाँ पर देखे तो अभी शेयर क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए इसने हाई बनाया इसके बाद यहाँ पर इसने एक इसने नीचे लो बनाया अब शायद आसपास यहाँ पर लो बनाता हुआ दिखाई दे और चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है बेस्ट सपोर्ट की बात करें यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देते हैं एक और इसके आसपास शेयर को देख लेते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मार्केट क्योंकि अभी गिरावट में है बुल मार्केट नहीं है जब तक बुल मार्केट थी तब तक अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा था बट अभी बुल मार्केट नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करेंगे चीजों को एक बार थमझान देंगे उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे नीचे आ जाए बायो डिप्स की रणनीति